हेलो ऑल ऑफ यू सो वेलकम बैक टू द अकाउंट लेक्चर नाउ लास्ट क्लास में हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपको सभी को लास्ट क्लास में रिवाइज भी कराया था जो है लास्ट लेक्चर्स में कि भाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है तो पी एंड एल के बाद बनता है नेट प्रॉफिट फिर इस तरफ जो भी पार्टनर्स को देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कोई रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड याद आ रहा है कुछ कुछ हाँ है ना बहुत पुराना नहीं है बचपन में नहीं पढ़ाया था अभी पढ़ाया था ठीक है ये और उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें क्लियर है फिफ्टी लास्ट लेक्चर में हमने फिफ्टी मार दी थी याद है आपको 50 मार दी थी अब यहां 51 से गिनती शुरू करते हैं तो 51 क्वेश्चन पे आते हैं दट इज द अगेन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट का कई बार जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है तो इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी पूछी गई है देखिए यहां पे जनरल एंट्रीज भी पूछी गई है यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो ठीक है पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के ऊपर से और उसके बाद फिर देखते हैं सोल्यूशन तो एबीसी पार्टनर इन द फॉर्म तो एबीसी पार्टनर है फॉर्म में हैविंग कैपिटल जो है वो 50 लाख, 50,000, 50,000 थाउजेंड एंड वन लैख तो तीनों का कैपिटल दिया है भाई इतने पैसे से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है कैपिटल दे आर करेंट अकाउंट बैलेंस करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है 10,000, 5,000 थाउजेंड एंड टू थाउजेंड डेबिट हम्म तो करेंट अकाउंट सबसे पहले तो करेंट अकाउंट बैलेंस बोल रहे हैं करेंट अकाउंट बैलेंस बोल रहे हैं तो मुझे बताइए कि ये फिक्स्ड वाली वाली कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं जब करेंट अकाउंट का नाम आता है करेंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए होते हैं तो इसका मतलब वो दो अकाउंट वाली मेथड है दैट इज कैपिटल फिक्सड कैपिटल मेथड जहां पर एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है याद आ रहा है कुछ कुछ हाँ फिर उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस देखिए टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड और टू थाउजेंड डेबिट अब देखिए यहां पर टू के सामने डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है मग और और के सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसको क्रेडिट मानते हैं इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है और जिनके सामने डेबिट लिखा हुआ है ऑब्वियसली वो डेबिट बैलेंस है मैंने आपको बोला था कि फ्लैक्चुअ इस मैथड इस में करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है इट इटमे भी डेबिट बैलेंस इट में भी क्रेडिट बैलेंस मगर जो फिक्स्ड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है इसी का जो दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट करेंट का तो कुछ भी हो सकता है मगर जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये मैंने उस समय भी बताया था याद रखना ठीक है ना अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर बी एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट पर एनम बहुत ही अच्छा है टेन परसेंट है अपने को ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेरी गुड फिर सी बींग वर्किंग पार्टनर है दिन रात सी काम कर रहा है इधर जा रहा है उधर जा रहा है ठीक है वर्किंग पार्टनर है हु ऑल्सो एंटाइटल टू सैलरी ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज पर एनम पर एनएम समय सीमा पर ध्यान दिया जाए ऑनर ट्वेल्व परसेंट सॉरी ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है पर एन पूरे साल भर का दिया है कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट वर बी डिवाइडेड एज फॉलोज प्रॉफिट के कुछ डिवीजन दिए गए हैं कोई तरीका दिया गया है उन्होंने कहा है फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे फिर नेक्स्ट थर्टी थाउजेंड को फाइव थ्री और टू में बांटेंगे और रिमेनिंग इक्वली बांट देंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है आसान है रिमेनिंग इक्वली है ना एक अपन टेबल बना लेंगे जिसमें अपन बांट देंगे अपन ने देखा था ये कैसे बांटते हैं फिर प्रिपेयर द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पास द जनरल एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बस इसमें पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ नहीं है है ना तो अपन भी नहीं बनाएंगे अपनी जनरल एंट्रीज पास करेंगे उसकी जगह पे आज चलिए तो बनाते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फटाफट पहले फॉर्मेटिंग कर ली जाए कुछ जगह वर्किंग के लिए वैसे तो बहुत ज्यादा इसमें से वो उसी की वर्किंग है बाकी कुछ की वर्किंग यहां नहीं है ठीक है तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है ठीक है यहां पे लिख देते हैं अपन दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर यहां रुपीस पर्टिकुलर और यहां पे रुपीस करेक्ट तो सिंपल है सबसे पहले क्या आएगा भाई नेट प्रॉफिट तो फॉर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन नेट प्रॉफिट कितना है वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड तो वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड आ जाएगा वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड आ गया क्लियर नाउ अब अपन शुरू से जो जो चीजें दी है पहले प्रॉफिट लिख लिया अपन ने फिर शुरू से जो जो चीजें दी है वो यहां पर वैसे तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पढ़ने में जो आया है तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आ जाएगा डेबिट साइड अप्रोप्रिएशन है तो टू शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है तीनों का ए का बी का और सी का तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब मेरे को ये बताइए कि ये जो टेन परसेंट लिखा हुआ है ये टेन परसेंट उनके कैपिटल मेन कैपिटल वाले पे कैलकुलेट होगा या फिर इस करेंट अकाउंट के बैलेंस पे कैलकुलेट होगा मेन जो कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल यह है पचास पचास और एक लाख और करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है दस हजार पांच हजार और दो हजार वो भी डेबिट तो करें, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है फिक्स्ड वाले पे या फिर करेंट वाले पे तो ये होता है फिक्स्ड वाला जो फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस में होता है उस पर तो मतलब फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड और वन लैख ,00 का टेन परसेंट तो बिल्कुल सिंपल है फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट हम लेंगे तो ये फाइव थाउजेंड आ जाएगा थाउजेंड अगेन फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट फाइव और वन लैख का टेन थाउजेंड टोटल करके मेन कॉलम में चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड आ गया बिल्कुल आसान है देन सैलरी दी है उसके आगे बढ़ते हैं फिर वर्किंग पार्टनर है सी और सी गेट अ सैलरी ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड पर एनएम ठीक है भाई तो टू सैलरी सैलरी सी को दी है यहां ब्रैकेट में लिख दिया ताकि अपने को याद रहे आगे जब अपन एंट्री करेंगे तो ये कितनी दी है ट्वेल्व थाउजेंड पर एन तो डायरेक्ट ट्वेल्व थाउजेंड आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर प्रॉफिट को बांटने की बात की है कोई और खर्चा यानी कोई और अप्रोप्रिएशन नहीं है कोई ड्राइंग नहीं है कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है ठीक है बस इतना ही दिया हुआ है क्या करना है बस इतने का ही ट्रीटमेंट करना है तो चलिए इसका टोटल आ जाएगा वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड आ गया ठीक है यहां पर भी लिख दिया अपन ने वन लैख सेवेंटी टू अब यहां पे ध्यान देंगे अब यहां पे जो बचा हुआ है वो ये कौन सा है फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है सारे जो एप्रोप्रिएशन होते हैं सारे जो पेमेंट होते हैं पार्टनर को वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते वो पार्टनर के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं अब क्योंकि वो पार्टनर के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं इसीलिए यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट आता है तो टू पार्टनर्स करेंट करेंट अकाउंट करेक्ट तो वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड में से आप सबसे पहले ट्वेल्व थाउजेंड हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटी सिक्सटी में से और ट्वेंटी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा वन लैख फोर्टी थाउजेंड ना एक बार मैं इसको कैलकुलेटर पे भी कर लेता हूँ ठीक है कैलकुलेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस करना है तो ये आ गया वन लैख फोर्टी थाउजेंड वन लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है क्लियर तो वन लेख फोर्टी थाउजेंड आया ये आ गया। अब इसको अपने को बांटना है बांटने का तरीका ये तीन पॉइंट में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है इट इज डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स फर्स्ट जो है ट्वेंटी थाउजेंड कैपिटल के रेशियो में ठीक है सेकेंड फाइव थ्री टू में और थर्ड इक्वली इस तरह से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है वर्किंग <coughs> वर्किंग नोट करेंगे है ना अरे अपन ये तो यहां लिख लिए है ना कोई बात नहीं इनको अपन इसके अंदर कर दें ध्यान ही नहीं रहे वो मैंने देख ही नहीं पाया चलो कोई बात नहीं टेक्नोलॉजी जिंदाबाद तो वर्किंग यस वर्किंग नोट नंबर वन वर्किंग नोट नंबर वन में हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं तीन पार्टनर हैं ए बी और सी तो एक पर्टिकुलर का कॉलम बन गया ए का बी और सी इस तरह से तीन पार्टनर हैं ठीक तो यहां पे जो तीनों पार्टनर हैं उनमें अपन प्रॉफिट को बांटेंगे तो सबसे पहले उनका कैपिटल रेशो कैपिटल तो कैपिटल देखो कितना है पचास हजार पचास हजार और एक लाख है ना क्योंकि पहला बीस हजार अपने को कैपिटल रेशो में बांटना है तो पचास पचास और बीस ठीक है तो पचास पचास और बीस मतलब पहला पहला अंक लिख देते हैं पांच पांच और दस आखिरी के जो चार चार जीरो उनको हटा दिया तो रेशियो बन गया 5, 5 और टेन ठीक है और यदि छोटा करना चाहें तो हम सबको फाइव से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा वन वन और टू तो पहला रेशियो बन गया वन एस टू वन एस टू टू ये उनका बन गया कैपिटल रेशियो ठीक है कैपिटल का रेशो कितना आ गया वन वन एस टू वन एस टू टू तो अब वो बोल रहे हैं कि पहले जो फर्स्ट जो ट्वेंटी थाउजेंड है वो कैपिटल के रेशियो में बांटना है तो यहां पर अपन लिख देंगे दैट इज द फर्स्ट फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड है ना फर्स्ट वाले जो ट्वेंटी थाउजेंड है वो तो यहां पर अपन ने लिख दिया फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड करेक्ट अब ट्वेंटी थाउजेंड को तीनों में डिवाइड करो कितने में वन इज वन इू में तो बिल्कुल आसान है जैसे अपन ने सीखा है या फिर अगर आप थोड़ा सा ओरली भी करना सीखो अब आप कि भाई अब ट्वेंटी है ट्वेंटी को इनके टोटल से डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना आता है वन वन और टू फोर आया तो ट्वेंटी को फोर से डिवाइड किया तो कितना आ गया फाइव थाउजेंड और फिर इनटू करेंगे अगर ए का निकालना है तो वन से इनटू करेंगे बी का भी निकालना है तो वन से और सी का निकालना है तो टू से क्योंकि वन का जो हिस्सा है करेक्ट सॉरी ए का जो हिस्सा है वो वन है बी का हिस्सा भी वन है और सी का हिस्सा टू है करेक्ट तो अपन यहां पे जो है यहां पर आ जाएगा फाइव थाउजेंड यहां पर भी फाइव थाउजेंड सॉरी फिफ्टी लिख दिया फाइव और यहां पर टेन थाउजेंड ठीक है फाइव फाइव और टेन क्लियर ये आ गया तो ये पहला रेशियो अपन ने बांट दिया ठीक तो अब 140 का था तो एक चालीस में से 20, एक लाख चालीस हजार का टोटल प्रॉफिट आया था एक लाख चालीस हजार तो एक लाख चालीस हजार में से बीस हजार बट गए ठीक है फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड फिर सेकंड जो थर्टी है वो फाइव थ्री और टू में बांटना है तो सेकंड वाला जो है ये तो इसमें मैं रेशो भी लिख देता हूं साइड में ये वन इस टू वन इस टू टू जो कैपिटल रेशियो है अब सेकेंड सेकेंड थर्टी को फाइव थ्री और टू में फाइव थ्री और टू तो बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करो कितना बांटना थर्टी थाउजेंड अब इनका टोटल करो फाइव प्लस थ्री कितना हुआ एट प्लस टू टेन मतलब टोटल टेन आए मतलब थर्टी को टेन से डिवाइड करेंगे ठीक है तो थर्टी को टेन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थ्री तो थ्री इन टू अब ए का रेशियो कितना है थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन थाउजेंड फिर अगेन थ्री इंटू थ्री थ्री थाउजेंड इंटू बी का रेशो तो नाइन आ गया आप चाहें तो नॉर्मल भी कैलकुलेशन करते हैं जैसे अपन ने रेशियो निकाले हैं वैसे आप रेशो निकाल के लिख सकते हैं थोड़ा सा पट जब अपन कैलकुलेशन करते जाते हैं करते जाते हैं तो थोड़ा सा अपने को उसको ओरली भी करना आना चाहिए और उसके बाद फिर टू से डिवाइड करेंगे थ्री को तो सिक्स थाउजेंड ठीक है, आ, टोटल आ गया थर्टी थाउजेंड अब आते हैं लास्ट जो बचा हुआ है वो इक्वल रिमेनिंग पहला सेकंड और थर्ड रिमेनिंग रिमेनिंग अब रिमेनिंग कितना बचा ठीक है रिमेनिंग बचा यहां पे, देखिए पहला सबसे पहला था कि भाई टोटल प्रॉफिट था एक लाख चालीस हजार तो एक लाख चालीस हजार में से आपने सबसे पहले बीस हजार माइनस कर दिए तो ट्वेंटी थाउजेंड आपने माइनस कर दिया फिर आपने माइनस कर दिया थर्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड टोटल माइनस कर चुके हैं आप तो फिफ्टी थाउजेंड माइनस करने के बाद कितना आया वन लेख में से फिफ्टी माइनस कीजिए तो नाइन्टी थाउजेंड आ जाएगा नाइनटी ये रिमेनिंग हो गया अब रिमेनिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, कर रहे हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली करेक्ट तो यहां पर इक्वल equal. इक्वली तो नब्बे हजार को रेशियो क्या बनेगा वन एस टू वन एस टू वन मतलब डिवाइड बाय थ्री करना है हर एक में तो थर्टी थाउजेंड है ना नब्बे हजार के तीन भाग करेंगे तो नब्बे हजार के तीन भाग करेंगे तो तीस तीस हजार आ जाएगा हर एक हिस्से में यहां पर भी थर्टी यहां पर भी थर्टी और यहां पर भी थर्टी अब इसका अपन टोटल कर लेंगे देखिए कितना आसान है आसान है एकदम है न तो फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी और ये आ गया फिफ्टी थाउजेंड, थर्टी और फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव और नाइन फोर्टी फोर ठीक है उसके बाद फिर थर्टी और टेन फोर्टी और सिक्स फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स थाउजेंड क्लियर समझ में आया तो टोटल वन लैख फोर्टी थाउजेंड आ जाएगा तो ये इनका प्रॉफिट तीनों का आ गया तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर तीनों का प्रॉफिट ए का बी का और सी का ये तीनों का प्रॉफिट आ गया तो फिफ्टी फोर्टी फोर और फोर्टी सिक्स तो फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी फोर थाउजेंड और फोर्टी सिक्स ठीक है क्लियर आया समझ में चलिए, जनरल एंट्री एक एक करके चलो सबसे पहले जनरल एंट्री बताओ ये प्रॉफिट की प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस से कहां आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आया एप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है और पी एंड एल में डेबिट तो एंट्री क्या बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एंट्री नंबर वन यहां पे अपन दो पार्ट कर लेते हैं ताकि एंट्री कर सके ठीक है तो नंबर वन यहां पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है तो एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे और एल को डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना है जी वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक है तो यहां पर आ गया ये वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड यहां पर भी वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक क्लियर पहली एंट्री पी एल अकाउंट डेबिट टू एल अप्रोप्रिएशन ठीक है सेकेंड एंट्री बोलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बोलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो एंट्री होंगी एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाने वाली और दूसरा कैपिटल अकाउंट में मतलब करेंट अकाउंट है यहां पे तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली क्लियर तो बटाफट फटाफट पी एंड एल वाली देखिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की बिल्कुल सिंपल है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है टोटल बीस हजार आ जाएगा तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी सेकेंड एंट्री दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीस हजार है टोटल तो ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार रुपए फिर अब इसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी दैट इज बोलिए फटाफट आप बताइए मुझे करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं आ? क्योंकि ये कैपिटल को बढ़ाता है इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे ठीक है तो थर्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अब तीनों पार्टनर के करंट अकाउंट आएंगे ठीक है तो टू एज करेंट अकाउंट टू बीज करेंट अकाउंट और टू सीज करेंट अकाउंट ठीक है ए का करंट अकाउंट बी का और सी का तीनों के करंट अकाउंट आ गए टोटल था बीस हजार तो बीस हजार है आ गया फिर कितना कितना है भाई यहां देखिए ये यह लिखा हुआ है यहां पर 5000, हजार हजार और दस हजार तीनों के तो तीनों का अमाउंट आ जाएगा फाइव फाइव और टेन फाइव थाउजेंड अगेन फाइव थाउजेंड और टेन थाउजेंड क्लियर तो ये तीनों का अमाउंट आ गया फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड और टेन थाउजेंड क्लियर नाउ अब उसके बाद फिर एंट्री नंबर फोर एंट्री नंबर फोर जो है वो अब आगे हम बढ़ते हैं देखिए ये वाली एंट्री भी हो गई अब अपनी बच्ची का एक सैलरी की एंट्री चलो फटाफट सैलरी की एंट्री बता दो सैलरी की एंट्री वो ही दो एंट्री होंगी यहां पर भी एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आने की और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने की तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है आप देख रहे हैं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट ठीक है पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट फोर्थ नंबर की एंट्री पे जा रहे हैं हम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ ठीक टू सैलरी कितने रुपए हैं बारह हजार रुपए यस ट्वेल्व थाउजेंड तो ट्वेल्व थाउजेंड आ गया यहां पर भी ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है और इसको अब ट्रांसफर करेंगे सी के कैपिटल अकाउंट में किसके सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा अकेला क्योंकि सी को मिल रही है सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिल रहा था इसलिए सबके अकाउंट के नाम लिखे अब यहां पर सिर्फ किसका सी का नाम लिखे, लिखा लिखाया जाएगा तो यहां पर सैलरी को डेबिट कर देंगे फिफ्थ नंबर की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट ठीक है करंट अकाउंट और बारह हजार आ जाएगा अगर अकाउंट बनाते तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते है ना फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अब बची काई की ये भी हो गई देखो ये पहली एंट्री हो गई ये भी हो गई ये भी हो गई अब अपनी बच रही है पार्टनर्स के प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री ठीक है पार्टनर्स के प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी तो दो एंट्री होंगी पहली ये जो है सॉरी एक ही एंट्री होगी डायरेक्ट ट्रांसफर करने की तो डायरेक्ट ट्रांसफर करने की कैसे एंट्री होगी तो आपने पी एल अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया है डेबिट तरफ लिखा है और पार्टनर्स कैपिटल में यानी पार्टनर करेंट अकाउंट में फिलहाल क्योंकि करेंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं करेंट अकाउंट में किस साइड जाएगा करेंट अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एक ही एंट्री होगी सिर्फ ये जो प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करने की एंट्री तो एंट्री नंबर सिक्स पे आते हैं ठीक है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को करेंगे डेबिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉरी no, डेबिट कर देंगे uh, कितना आया भाई वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड वन फोर्टी थाउजेंड वन लैख फोर्टी थाउजेंड आया ठीक है टू यहां पे टू एज करेंट अकाउंट बीज करंट अकाउंट और सीज़ करेंट अकाउंट ठीक है कितना कितना दिया तीनों को देखिए लिखा हुआ है ये यहां पे पचास चवालीस और छियालीस फिफ्टी फोर्टी फोर और फोर्टी सिक्स तो फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी फोर थाउजेंड और फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड आ जाएगा तो ये रही आपकी जनरल एंट्रीज क्लियर हुआ समझ में आया कि नहीं कोई पॉइंटेड आउट तो नहीं है ना ठीक है बड़े आगे वेरी गुड आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे मेरे ख्याल से 51 सभी को क्लियर यही चीज बनाने को बोला गया था अप्रोप्रिएशन और जनरल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ठीक है अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं तो 52 क्या कहता है पढ़ने ध्यान से पढ़ना है करेक्ट क्वेश्चन के साथ यही है क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है जितने अच्छे से आप केयरफुली रीड करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आती हैं। ठीक है जितना केयरफुली आप रीड करेंगे उतना आसानी से चीजें समझ में आएंगी तो चलिए आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ ऑफ वन वन अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट टेन और वन अपॉइंट फाइव ये कौन सा रेशियो है ठीक है चलो देखते हैं रेशो फिलहाल पढ़ लेते हैं थोड़ा इसको अपने को बदलना पड़ेगा बदल लेंगे आगे पढ़ते हैं तो रेशो फिलहाल ये रेशो को अपन मार्किंग कर देते हैं कि यहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को प्रोवाइडिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट फाइव परसेंट दिया है इंटरेस्ट जो है वो कितना दिया है फाइव परसेंट है ऑन द रिस्पेक्टिव कैपिटल तीनों की कैपिटल दी हुई है पचास तीस और बीस हजार ठीक है अलाउंग बी एंड सी बी और सी दोनों को सैलरी मिल रही है और वो भी पर एन एम ईच हर एक को बी को भी पांच हजार पूरे साल भर का सी को भी पांच हजार पूरे साल भर का ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ए हैज ड्रॉन टेन थाउजेंड ए ने ठीक है भाई ड्राॅइंग दिया हुआ है ए ने ड्रॉ किए हैं टेन थाउजेंड एंड बी एंड सी ठीक है ए ड्रॉज थाउजेंड बी एंड सी इन एडिशन टू देअर सैलरी हैज ड्रॉन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड वन थाउजेंड रिस्पेक्टिवली पे कुछ एक टेक्निकलिटी है इसको भी मैं मार्क करता हूं इसको थोड़ा आपसे डिटेल्ड में डिस्कस करना है ये वाला पॉइंट ठीक है ये वाला पॉइंट भाई ए ने तो ड्रॉ किए हैं क्या बोल रहे हैं ए ने तो ड्रॉ किया टेन थाउजेंड ए ने दस हजार रुपए निकाले इसमें कोई दिक्कत नहीं है बी और सी ने भी निकाले बी ने पच्चीस सौ रुपए निकाले देखिए यहां पे बी ने पच्चीस सौ रुपए निकाले हैं और सी ने एक हजार रुपए निकाले हैं फर्म से बाहर ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मगर दिक्कत कहां है दिक्कत यह है कि एडिशन टू सैलरी मतलब सैलरी भी विड्रॉ हुई है सैलरी भी विड्रॉ हुई है तो मैं आपको बताऊं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा मगर पार्टनर्स कैपिटल पर इसका इफेक्ट आने वाला है अब देखिए विड्रॉ करिए करेक्ट विड्रॉ करने का मतलब है पैसा फर्म से सैलरी भी जो सैलरी फर्म ने दी वो सैलरी भी फर्म से क्या कर ली विड्रॉ कर ली अब क्योंकि वो सैलरी भी विड्रॉ कर ली है इसीलिए ये सैलरी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि भाई हम हमेशा इंटरेस्ट हो या सैलरी हो या कमीशन हो इनको अपन कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे क्रेडिट करते थे क्यों क्रेडिट करते, करते थे क्योंकि ये हमें पार्टनर को देना है कि देखिए किसी भी अकाउंट को जब आप क्रेडिट करते हैं कोई भी अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो वो ये बताता है कि हमको इस बंदे को इतने रुपए देना है ठीक है जैसे आप कोई क्रेडिटर है तो क्रेडिटर है मिस्टर सपोज मिस्टर ए ए है तो मिस्टर को आपने क्रेडिट किया क्रेडिटर है वो आपके तो रुपए देना है और क्रेडिट किया मतलब और रुपए देना है और क्रेडिट कर दिया मतलब और रुपए इसी तरह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं मतलब पार्टनर को रुपए देना है फर्म के द्वारा पार्टनर को रुपए देना है इंटरेस्ट से क्रेडिट कर दिया मतलब इंटरेस्ट के रुपए देना है सैलरी से क्रेडिट कर दिया मतलब सैलरी के रुपए देना है अब क्योंकि उन्होंने सैलरी के रुपए ले लिए हैं इसीलिए अब ये सैलरी का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि तो ये ऑलरेडी रुपए उन्होंने ले लिए ठीक है क्लियर हुआ कोई पॉइंट या डाउट तो नहीं है ठीक है समझ में आ गया गुड और बाकी मैं जब अकाउंट बनाएंगे अपन तो उसको और देखेंगे ठीक रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पर याद रखिए ए ने एक हजार रुपये ड्रॉ किए हैं बी और सी ने भी 2500 और एक हजार रुपये विदड्रॉ किए हैं तो ये दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड हैज है शोज फोर्टी का प्रॉफिट शो हो रहा है एक अप्रैल और फर्स्ट अप्रैल टू को बैलेंस इन द करेंट अकाउंट देखिए करेंट अकाउंट दे दिया करेंट अकाउंट का मतलब है ये कौन सी मेथड पे चल रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल वाली मेथड पे चल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग पे नहीं है तो इसका मतलब दो अकाउंट यदि अकाउंट बनाने का बोलते हैं तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे कैपिटल वाले और एक अप्रोप्रिएशन तीन अकाउंट हो जाएंगे आगे पढ़ते हैं बैलेंस दिए हैं क्रेडिट बैलेंस दिया है ए का बी का भी क्रेडिट सी का भी तीनों का क्रेडिट है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग ठीक है बोल रहे हैं इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे नहीं देना है ठीक है बहुत अच्छी बात है अलाउड ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंस और भी नहीं देना है इंडेड आफ्टर डिविजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को स्टार मार्क तो अपने को देना चाहिए क्योंकि दो तीन चीजें इसमें अच्छी आई हैं जो हमें कुछ नई चीजों को सिखाने वाली है ना ऐसे क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं जो कुछ ना कुछ ना नया हमें ठीक है चलिए तो तो करते हैं सबसे पहले एक दो वर्किंग वर्किंग हम कर लें नंबर तो जरा देखें ठीक है वर्किंग वर्किंग नंबर वन जो है रेशो को अपन पहले सुधारेंगे ये रेशो एंड बैंड दिए हुए ना अपने को रेशो दिए हैं तो रेशो को जरा देख लें तीनों के रेशो लिख लेते हैं सबसे पहले इस तरफ अपन अप्रोप्रिएशन बना लेंगे यहां पे अपन वर्किंग के लिए लिख लेते हैं चलिए तो रेशो है तीनों पार्टनर्स लिख लेते हैं पहले ए बी सी हैं तीनों सीधे साधे बेचारे पार्टनर ए बी और सी ये तीनों पार्टनर हैं सबसे पहले रेशो की वर्किंग करेंगे तो रेशो ए का कितना दिया है वन अपॉइंट टू बी का कितना दिया है थ्री अपॉइंट टेन और वन अपॉइंट फाइव अलग अलग रेशो दिए हुए हैं ठीक है अब देखिए क्या होता है कि जितने भी रेशो अभी तक हमने पढ़े हैं सबका जो बेस है वो सेम होता है सबका जो बेस होता है वो सेम होना चाहिए बेस का मतलब ये जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए जैसे मान के चलिए पिछला क्वेश्चन था है ना तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जैसे मान के चलिए ये वाला जो रेशो uh, तो अपन कैसे लिखेंगे four, यहां पर भी four, और four, ऐसे लिखेंगे ना क्योंकि तभी तो अपन ने निकाला उनको इसी तरह से तो मतलब ये जो बेस है जो डिनोमिनेटर है ये तीनों के सेम होना चाहिए मगर यहां पर देखिए यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हुए हैं ए का दिया है वन पॉइंट टू बी का दिया है थ्री पॉइंट टेन और सी का दिया है वन अपॉइंट फाइव अब यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा द डिनोमिनेटर विल बी द सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर शुड बी द सेम अब हमें इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेंगे ताकि ये जो डिनोमिनेटर है क्या हो जाए सेम हो जाए ठीक है तो अब इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखो कौन सा है सबसे बड़ा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है टेन सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है टेन तीनों में ठीक है अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है तो फिर बाकी के जो उससे छोटे डिनोमिनेटर हैं क्या वो किसी भी डिजिट के मल्टीप्लाई करने पर उसके बराबर हो सकते हैं क्या मतलब क्या वो उसके बराबर हो सकते हैं यदि हम किसी भी डिजिट का, का मल्टीप्लाई उन डिनोमिनेटर में कर दें जैसे मान के चलिए टू है ए का डिनोमिनेटर लेते हैं तो ए का डिनोमिनेटर है टू अब ये टू को यदि हमें टेन के बराबर करना है यदि इस टू को हमें टेन के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय फाइव करना पड़ेगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ए का नया रेशो निकालेंगे तो पहले कितना था वन अपॉइंट टू अब क्योंकि हमें इसको टेन के बराबर करना है इसीलिए हम इंटू करेंगे तो अगर हम फाइव का इंटू करेंगे तो हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा मतलब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा तो इसका रेशो हो जाएगा फाइव अपॉन टेन ये रेशो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन टेन क्लियर समझ में आया सिमिलरली अब ये जो सी का है फाइव सी का भी हमें किसके बराबर करना है ठीक है डिनोमिनेटर टेन के बराबर करना है जितना बी का है तो सी का कितना है भाई सी का है वन अपॉन फाइव तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को काय का टू का तो ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू अपॉन टेन ठीक है और बाकी इसका तो है थ्री अपॉइन टेन देखिए फाइव अपॉन टेन थ्री अपॉन टेन और ये टू अपॉन टेन तो अब रेशो जो बन जाता है हमारा फेवरेट रेशो प्यारा रेशो ए बी और सी ये बन जाता है फाइव टू थ्री टू टू ये रेशो तो जब भी याद रखिए जब भी ये डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा सो यू विल टू चेंज द रेशो बाय इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा और इक्वल कैसे करेंगे हम तो इक्वल ऐसे करेंगे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखेंगे अगर ये मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे होंगे तो आपको फिर ऐसी कोई कॉमन नंबर देखना पड़ेगा जो तीनों को मल्टीप्लाई हो जाए जैसे एलसीएम वगैरह निकालते थे ना आप पहले तो उसी तरह से आपको इक्वलाइजेशन ये करना पड़ेगा ठीक है तो ये अपना रेशो इक्वल हो चुका है चलिए अब एल अप्रोप्रिएशन की तरफ बढ़ जाते हैं तो एल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं फटाफट अप्रोप्रिएशन के लिए पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट है ना हमारा प्यारा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट चलिए अब यहां पे सबसे पहले टू यहां पर ले लेते ले प्रॉफिट आ जाएगा पहले बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन नेट प्रॉफिट लेकर आए तो नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन तो कितना दिया नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ है देखिए नेट प्रॉफिट इज सॉरी नेट प्रॉफिट इज फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड का नेट प्रॉफिट आ गया अब उसके बाद फिर टू यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना दिया है जरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से दिया हुआ है हमको तो दिया हुआ है फाइव परसेंट से तो फाइव परसेंट से निकालना है ठीक है तीनों का ए का बी का और सी का तीनों का फाइव परसेंट से कैलकुलेट करेंगे तो ए का फाइव परसेंट से तो फिफ्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट तो देखिए बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया तो पहले टेन निकाल दीजिए और टेन का आधा कर लीजिए तो टेन टेन परसेंट होता है फिफ्टी थाउजेंड का फाइव थाउजेंड और फाइव थाउजेंड का आधा होता है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना पांच हजार का आधा पच्चीस सौ तो यहां पर आ जाएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगेन थर्टी थाउजेंड है तो थर्टी थाउजेंड का टेन परसेंट हो गया थ्री थ्री थाउजेंड एक जीरो हटाया और उसका आधा कर दिया थ्री का आधा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेडेंड फाइव हंड्रेड अगेन सी का तो सी का कैपिटल कितना दिया ट्वेंटी तो का टेन हुआ कितना 20 का हुआ टू और टू का आधा टू थाउजेंड का आधा वन थाउजेंडन थाउजेंड अब तीनों को अपन ने ऐड कर दिया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड तो ये आ जाएगा फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया फाइव थाउजेंड आ गया उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं सैलरी सैलरी भी दे रहे हैं सैलरी करेक्ट सैलरी अब देंगे पार्टनर्स को सैलरी में ध्यान दीजिए तीनों दोनों दो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं है ना दो पार्टनर को किसको बी को दे रहे हैं और सी को दे रहे हैं पांच हजार ईच पर है दोनों को पांच पांच हजार रुपए तो बी और सी बी और सी को पांच हजार बी को और पांच हजार सी को टोटल टेन तो ये हो गया टेन थाउजेंड फाइव प्लस फाइव थाउजेंड दैट इज टेन थाउजेंड ठीक है अब और कुछ दिया हुआ नहीं है जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आए तो इसलिए अब अपन टोटल करेंगे तो ये टोटल फोर्टी फाइव थाउजेंड और ये भी यहां पे फोर्टी फाइव थाउजेंड करेक्ट अब बैलेंस निकाल लेंगे तो बैलेंस अब यहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो इसका बैलेंस है वो कहां जाएगा करेंट अकाउंट में तो यहां पर जो बैलेंस आएगा दैट इज टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से ये आ जाएगा और उसके बाद फिर करंट अकाउंट के नाम से आएगा तो तीनों ठीक है तीनों पार्टनर्स को हम ए को बी को और सी को अब उनका रेशियो जो है वो कितना था तो ये रेशियो अपन ने निकाला था यहां पे याद है आपको फाइव टू थ्री टू टू ये रेशियो कैलकुलेट किया था तो फाइव टू थ्री टू टू अब इसको थर्टी थाउजेंड कितना आएगा देखिए कितना आएगा फोर्टी फाइव में से फिफ्टीन गए तो थर्टी थाउजेंड तो ये जो थर्टी थाउजेंड आएगा इनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फाइव थ्री टू तो देखिए आप थोड़ा सा उसको ओरली भी करके देख लें चाहे तो आप उसको कैलकुलेट करें देखिए फाइव थ्री और टू तो टोटल हुआ टेन तो थर्टी थाउजेंड को टेन से अपन डिवाइड करेंगे तो टेन से डिवाइड करने पे कितना आने वाला है थ्री थाउजेंड करेक्ट तो थ्री थाउजेंड आ जाएगा टेन से डिवाइड करेंगे थर्टी को तो थ्री आ गया थ्री इंटू फाइव क्योंकि फाइव ए का है तो इंटू करेंगे फाइव से भले ही आप इस तरह से भी देख सकते हैं वैसे कई बार अपन ने किया है मगर ठीक है है ना थर्टी थाउजेंड इंटू फाइव जो फाइव का जो ए का रेशो है और सबका टोटल तो जीरो से जीरो गया तो थ्री थाउजेंड इंटू फाइव ये हो गया फिफ्टीन और बाकी का भी ऐसे थ्री थाउजेंड से फाइव का इंटू किया तो फिफ्टीन थाउजेंड एक आ जाएगा ठीक है फिर थ्री का इंटू कर देंगे तो नाइन थाउजेंड बी का आ जाएगा और फिर टू का इंटू कर देंगे तो सिक्स थाउजेंड सी का आ जाएगा करेक्ट तो इस तरह से ये जो है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन गया है अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में क्योंकि करेंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं इसका मतलब दो अकाउंट बनने वाले हैं क्योंकि ये फिक्स्ड वाली मेथड है तो एक पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और एक पार्टनर्स करेंट बनेगा ये दो बनेंगे अब पार्टनर्स कैपिटल जो है वो सिंपली मेरे ख्याल से इसमें एक ही कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स कैपिटल रहती है सिर्फ वही आती है तो यहां पर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आएगा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कहीं पर भी क्वेश्चन में ना तो कोई अमाउंट विड्रॉ किया गया है और ना ही कोई अमाउंट एडिशनल कैपिटल के रूप में लाया गया है इसीलिए सिर्फ यही आएगा इज अपन जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें सिर्फ जो बैलेंसेस रहेगा वही आएगा और वही बैलेंसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड के रूप में चला जाएगा ठीक है तो पार्टनर्स कैपिटल बाकी करंट अकाउंट में काफी कुछ ट्रांजेक्शन यहां पर होने वाले हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट <coughs> तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन पार्टनर हैं तो दोनों तरफ तीन तीन कॉलम बनेंगे छोटा सा अपन अकाउंट बनाएंगे बहुत ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं होगा ये तो ये तीन अपन ने डेबिट तरफ कॉलम बना लिए और सेम जो है तीन कॉलम जो है वो क्रेडिट तरफ भी बन जाएंगे ठीक है यहां पर्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी और पार्टनर सी ठीक है यहां पर अगेन पर्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी और पार्टनर सी ठीक है तीनों को अपन ने लिख लिया नाउ अब अपन यहां पर सबसे पहले बैलेंस लेके आती क्योंकि देखिए ये कौन सा है तो दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन तो तीनों के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं दिख रहे हैं आपको तीनों के बैलेंसेस पचास तीस और बीस पचास हजार तीस हजार और बीस हजार फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड तो बस ये आ जाएंगे फिफ्टी थाउजेंडर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी अब आपको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल में और सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन आते हैं एक कैपिटल का लेके आना और एक कैपिटल को लेके जाना ऐसे इन दोनों में से कोई ट्रांजेक्शन यहां दिए हुए नहीं है तो एज इट इज टोटल ये आ जाएगा अगेन फिफ्टी थर्टी और ट्वेंटी यहां का टोटल भी इतना ही आ जाएगा तीनों का ठीक है फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इतना ही टोटल आ जाएगा फिर यहां बैलेंसेस को अपन टू बैलेंसेस कैरिड डाउन ले जाएंगे तो सेम फिफ्टी थर्टी और ये ट्वेंटी करेक्ट तो इस तरह से ये टोटल आ जाएगा क्लियर तो ये कैपिटल अकाउंट इसमें तो कुछ भी नहीं था करेंट अकाउंट में थोड़ा सा ट्रांजेक्शन आएंगे वो भी आसान है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो करंट अकाउंट भी बना लेते हैं अपन करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट में अगेन सेम दोनों तरफ तीन तीन कॉलम ठीक है, दैट इज़ अ पार्टनर्स करंट अकाउंट याद आ रहा है करंट अकाउंट आपको करंट अकाउंट में सिर्फ मेन कैपिटल को छोड़ के बाकी के सारे ट्रांजेक्शन काय में आते हैं करंट अकाउंट में आते हैं स्पेशली जो एल अप्रोप्रिएशन में है वो भी सब यहां पर आएंगे तो यहां पर्टिकुलर फिर तीनों पार्टनर्स के नाम ए बी सी अगेन पर्टिकुलर ए बी और सी तीनों पार्टनर्स के नाम यहां पर आ जाएंगे सबसे पहले करेंट अकाउंट का बैलेंसेस तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस लेकर आए हां जी कितना कितना है देखिए 2500, 1500 और 1000 तीनों बैलेंस तो 2000 सॉरी बैलेंस नहीं है बैलेंस ये है यहां पे, बैलेंस uh, जो है ये दिया हुआ है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड ठीक है बैलेंस दिख रहा है क्वेश्चन में चार हजार सौ एक हजार सौ और एक हजार तो ये आ जाएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये वन थाउजेंड बैलेंस आ गया फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चलेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये दिया हुआ है ना जैसे अपन ने जो पी एंडल अप्रोप्रिएशन में निकाला था ठीक है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड तो टू फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड ये इंटरेस्ट अब देखिए सैलरी ध्यान दीजिए सैलरी करेक्ट सैलरी के लिए एक लाइन लिखी हुई है जो अपन ने पहले भी पढ़ी थी ध्यान देंगे सैलरी है ना क्या की है देखिए बी एंड सी ने करेक्ट एडिशन टू देयर सैलरी हैज विड्रॉन विड्रॉन का मतलब है कि सैलरी भी विड्रॉ कर ली यही मतलब हुआ जो अपन ने मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई सैलरी विड्रॉ करने का मतलब है कि अब जब सैलरी हमने विड्रॉ की है करेक्ट तो अब हमें ये फर्म को हम मतलब फर्म के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं तो फर्म को अब ये सैलरी पार्टनर को बाद में देना तो नहीं है क्योंकि अभी ही उन्होंने विड्रॉ कर ली देखिए क्या होता है कि ये जो है आप क्रेडिटर के एंगल से सोचिए जब आप क्रेडिटर के एंगल से सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि हमें किसी को कोई पेमेंट करना है तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया हुआ ना हमने उससे गुड्स खरीदा और हमें उसका क्या करना है पेमेंट करना है तो वो क्या हो गया हमारा क्रेडिटर हो गया अब मान के चलिए कि क्रेडिटर को हमें समय पर हम पैसे नहीं दे पाए इसलिए उसने हम पे और चार्जेस लगा दी कि भाई आप पे इंटरेस्ट का चार्जेस आप पे जो है पेनल्टी का चार्जेस ऐसे कुछ चार्जेस उसने हमारे ऊपर लगा दिए अब जब ये चार्जेस हमारे ऊपर लग गए तो इसका मतलब अब और रुपए हमें उसे देना है और बढ़ गए तो बढ़ गए तो हम क्या करेंगे उसको और क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिटर हमारा बढ़ गया ठीक है और किसी चीज के कोई पेनल्टी लगा दी तो और बढ़ गया वो तो हम उसको क्रेडिट करेंगे तो जैसे जैसे हमें किसी को पैसे देना क्या होता जाता है बढ़ता जाता है हम उसको क्रेडिट करते जाते हैं समझ में आ रहा है कि भाई किसी को हमें पैसे देने का बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है वो हमारी लाइबिलिटी है ठीक है इसलिए वो क्रेडिट बढ़ता चला जाता है क्लियर यहां तक ठीक वैसे ही जब पार्टनर को हमें कुछ देना होता है तो भाई अभी दिया नहीं है देना है देना है तो वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा करेक्ट उसका बैलेंस और यदि उसने उसको ले लिया विड्रॉ कर लिया तो फिर उसका बैलेंस बढ़ेगा नहीं फिर तो उसने ले लिया फिर फिर क्यों अपन उसका बैलेंस बढ़ाएंगे जैसे क्रेडिटर को मैंने बताया कि इंटरेस्ट देना है तो देना है तो बढ़ा दिया अगर मान के चलिए क्रेडिटर बोल रहा है कि तुम एक काम करो मेरा जो मेन बैलेंस है वो बाद में देना इंटरेस्ट अभी दे दो तो इंटरेस्ट तुरंत देंगे तो फिर क्या क्रेडिटर का बैलेंस इंटरेस्ट से बढ़ाएंगे क्या नहीं बढ़ाएंगे क्यों क्योंकि हमने उसे तुरंत भुगतान कर दिया है तुरंत पेमेंट कर दिया है बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर को यदि हम कमीशन का या सैलरी का तुरंत अगर पेमेंट कर देते हैं तो फिर हमें उसके अकाउंट में क्रेडिट करने की कोई जरूरत नहीं है उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुरंत जो है हमने पेमेंट कर दिया अगर पेमेंट नहीं करते तो फिर उसका अकाउंट क्रेडिट बढ़ जाता क्यों क्योंकि हम उसे फ्यूचर में देना है ठीक है जैसे क्रेडिटर वाला एग्जाम्पल ये बिल्कुल वैसे ही है क्लियर पर जब हम ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम उसको क्रेडिट ही करते हैं है ना अभी से जो पहले वाले क्वेश्चन है जितने भी अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं हमने क्या किया उसको क्रेडिट ही किया है तो क्रेडिट किया है इसका मतलब ये है कि भाई अभी तक हम ये मानते थे कि हम पार्टनर को पेमेंट नहीं तो जब तक कि पेमेंट का क्वेश्चन में दिया ना हो तब तक ऐसा कोई पेमेंट का इंप्लीकेशन लेना भी मतलब अगर कुछ दिया हुआ नहीं है पेमेंट के बारे में तो हमें यही मानना है कि हमने उसको अलाउ किया है मगर उसने अभी फर्म से उसको विड्रॉ नहीं किया है कैश पेमेंट अभी नहीं हुआ है इस इस तरह से उसको मानते हैं क्लियर तो हम क्या करेंगे सिंपली कि यदि कैश पेमेंट किया है तो फिर वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा तो ये जो सैलरी आप देख रहे हैं करेक्ट इंटरेस्ट तो आ गया पर जो सैलरी आप देख रहे हैं ये सैलरी ये पांच पांच हजार ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि ये उन दोनों ने विड्रॉ कर ली है क्योंकि उन्होंने ये विड्रॉ कर ली है इसलिए ये यहां पर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ कर लेते तो वो भी नहीं आता पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड लिख दिया है क्लियर समझ में आया तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये सैलरी तो हमें लेना नहीं है तो सैलरी हमने ये ले लिया है ये तो लेना नहीं है फिर और आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट तो प्रॉफिट लेंगे है ना पार्टनर्स करेंट अकाउंट में तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कितना कितना प्रॉफिट है पंद्रह नौ और पंद्रह हजार नौ हजार और छह हजार पंद्रह हजार नौ हजार और ये छह हजार ठीक है तीनों को ऐड कर देंगे तीनों को ऐड कर देंगे इसके अलावा कुछ है नहीं है ड्राइंग है तो ड्राइंग डेबिट साइड आएगा देखिए उन्होंने विड्रॉ किए हैं ए ने दस हजार किए हैं ढाई हजार और एक हजार बी और सी ने ढाई और एक किए हैं तो एक के अकाउंट में यहां पर आ जाएगा टू ड्राइंग Drawing out of profit है ना ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है ये इसलिए इसमें आती है आउट ऑफ कैपिटल होती तो वो मेन कैपिटल अकाउंट में जाती है आपको पहले भी ये बताया हुआ है ठीक है तो दस हजार दस हजार के बाद फिर कितना कितना दिया है आ, दस हजार रुपए ड्रॉ किए हैं और ढाई हजार और एक हजार टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड ठीक है बस अब कुछ नहीं करना बैलेंस कैलकुलेट करना है ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो आ जाएगा तो बैलेंस निकालते हैं तो ये हो गया चार दो छः सात पंद्रह हजार और सात तो पंद्रह और सात बाईस हजार ठीक है फिफ्टीन और सेवन सेवन थाउजेंड आएगा ना यस फिर उसके बाद थ्री और नाइन ट्वेल्व और उसके बाद वन वन और सिक्स एट थाउजेंड नहीं करना है यहां पर इनका टोटल एज इट इज आ जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड यहां ट्वेल्व थाउजेंड और एट में से बन गया तो सेवन थाउजेंड सॉरी एट थाउजेंड यहां पर तो ठीक है वो कैपिटल में आएगा तो यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा तो टेन माइनस हो जाएगा तो ट्वेल्व थाउजेंड बैलेंसिंग करेंगे फिर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बारह हजार में से दो हजार पांच सौ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस होगा तो हो जाएगा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और उसके बाद फिर एट में से वन माइनस होगा तो सेवन थाउजेंड ये तीनों के बैलेंस आ गए तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया क्लियर हुआ द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ठीक है कोई पॉइंट है डाउट तो नहीं है है ना हो तो कभी भी आप कॉल करके पूछ लीजिए मेरे से ठीक है तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हुआ अब ये थोड़ा होमवर्क है आपके फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर और फिफ्टी फाइव ठीक तो ये आपको होमवर्क के रूप में करना है अगर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो अगले लेक्चर में अपन इनको डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज इतना ही ओके बाय ध्यान रखना है अपना ठीक है बाय